नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित अभी अभी एक नई खबर आई है। 17 अप्रैल को क्या होने वाला है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को पता होगा जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसको चलते हुए बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया है। और ये भी आपको पता है, एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा से एग्ज़ाम हो गया है और अब जो है पूरा पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रखा है। लेकिन अभी क्या है, रिज़ल्ट आना बाकी है और रिज़ल्ट के लिए अब क्या बाकी है, एक जो फॉर्मूला है रिज़ल्ट का, फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का, वो गलत लगा हुआ है। तो उसी के लिए जो रिज़ल्ट है आगे से आगे डिले किया जा रहा है। पहले जो है ये बोला गया था कि आपकी जो है दिसंबर या जनवरी तक ज्वाइनिंग ही करवा दी जाएगी, लेकिन अब तक जो है ज्वाइनिंग वगैरह क्या रिज़ल्ट भी जारी, ये नहीं पता कि कब तक रिज़ल्ट जारी होगा। तो अभी 19 अप्रैल को जो है कोर्ट में सुनवाई है, तो देखते हैं कि इसकी इसका जो है क्या फैसला आने वाला है। तो इसी से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो 17 अप्रैल को ट्विटर कैंपेन चलाना चाहते हैं, यानी कि ट्विटर पर जो है सभी साथी ट्वीट करेंगे ताकि जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी और सही तरीके से और फेयर तरीके से जारी किया जा सके। तो यदि आप भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उस दिन ट्वीट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने ये फॉर्म भरा है या नहीं भरा है फिर भी आप ट्वीट ज़रूर करें ताकि जितना ट्रेंडिंग में ये मैसेज वायरल होगा उतनी ज़्यादा जो है आपकी आपका मैसेज है वो HSC तक पहुंचेगा। तो इसको ट्रेंड बनाने की कोशिश करें। पहले भी कई बार ट्विटर कैंपेन चलाए गए हैं लेकिन आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया है, कोई 5-10 हज़ार ट्वीट होते हैं मुश्किल से, जिससे पता भी नहीं चल पाता HSC तक कि किसी ने ये ट्विटर कैंपेन चलाया है या नहीं चलाया। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का साथ दें ताकि जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से रिज़ल्ट जारी हो सके, ताकि जिन बच्चों को का सिलेक्शन हुआ है उनको कम से कम जो है जॉब मिल सके। कम से कम क्या है कि 5-6 हज़ार जो बच्चे सेलेक्ट होंगे SI और कांस्टेबल मेल फीमेल जो सब है उनके लगभग 5-7 हज़ार के आसपास कैंडिडेट हो जाएंगे, तो कम से कम उनकी बेरोज़गारी दूर होगी और जो है ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट भर्ती भी निकलने के चांसेस है जल्दी। तो बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी सही लगे आप करना, लेकिन जो है मेरा सजेशन यही है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास ये मैसेज पहुंच सके। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।